Rahul Gandhi, of course, at this point is facing several questions about why he isn't contesting from Amethi. The suspense, of course, continues to loom over Congress's Amethi candidate. Speculations are rife that the Congress might just field Rahul Gandhi from Amethi against the BJP's Smriti Irani, but that confirmation hasn't yet come in. Sources tell India Today that the Grand Old Party may announce Rahul's candidature from the Congress bastion after elections in Wayanad are over. In fact, Rahul Gandhi, too, went on to say that he shall do whatever the party high command asks him to. Meanwhile, Robert Wadra has pitched himself to contest from Amethi's seat. Wadra claims that the people of Amethi want him to represent them and that Amethi wants a Gandhi family member to fight polls from the seat. Meanwhile, it's another setback there for the Congress party. On the eve of first phase of polling, UP state coordinator has joined the BJP in the presence of Smriti Irani. ये open-ended press conference है, but इसमें एक और बात, मुझे पहले ही दो तीन बीजेपी वाले questions पता लग जाते हैं, तो वो तो guaranteed पूछे जाएंगे, तो उनके लिए मैं तैयार हूँ। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बायनाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला question है। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। पूरे देश से पुकार आ रही है कि आप सक्रिय राजनीति में आइए, और जरूर अगर कांग्रेस को लगेगा कि मैं कुछ फर्क ला सकता हूं तो जरूर मैं आऊंगा, पर ये नहीं है कि अमेठी से, मुरादाबाद से भी है और हरियाणा से भी अलग अलग लोग मेरी विनती कर रहे हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं और उनके क्षेत्र को चुनूं। जो भी कांग्रेस पार्टी चुनेगी, वहाँ जो उम्मीदवार होंगे, वहाँ के लोग जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं या वहाँ सही जो व्यक्ति होंगे जो वहाँ के सांसद बने, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनेगी, और चाहे गांधी परिवार से हो या कोई और कांग्रेस के आदमी हो जिनसे, या महिला हो जो वहाँ प्रगति ला सकते हैं, और जो स्मृति ईरानी नहीं कर पाए वो मेहनत करें। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे, यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। बहनों भाइयों, आदित्ययान यह हमारे सूरज के नजदीक पहुंच गया है, अब भाजपा 5 वर्षों में गगनयान की लॉन्चिंग करने जा रही है। ब्रदर्स एंड सिस्टर, सबकी लॉन्चिंग हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के यंग लीडर की लॉन्चिंग पिछले 20 वर्षों में नहीं हो पाई है। कांग्रेस पार्टी का राहुल यान न तो लॉन्च हो पा रहा है और न तो कहीं लैंड कर पा रहा है। राहुल जी उत्तर प्रदेश से माइग्रेट करके केरल आ गए हैं, पिछली बार वह अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए थे। मेरे बहनों भाइयों, इस बार अमेठी से लड़ने की वह हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस बार वायनाड की जनता ने भी, मुझे जो खबर मिली है, मन बना लिया है कि इस बार हम राहुल जी को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाएंगे। और आपने देखा कि ईएलडीएफ ने भी उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फील्ड कर दिया। अमेठी में भारतीय जनता पार्टी की स्मृति दीदी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही हैं। अमेठी में जन सामान्य का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बीजेपी को है, स्मृति दीदी को है, और वहां एक तरफा लहर चल रही है। राहुल गांधी जी ढंग से पलायन करके वायनाड गए थे, अमेठी के लोगों ने उन्हें किनारे लगाने का काम किया। और हम लेना चाहेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस पूरे चुनाव के दौरान पे, कल प्रियंका गांधी ने आज तक से बातचीत का और कहा कि सनातन को लेकर के आप लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, राम तो सबके हैं, इस पर आप दावा। मैंने देखा जिस ढंग से एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे,
सनातन धर्मियों को पूजा पाठ को ढोंग कहा, ढोंगी कहा है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये सब जानते हैं, चाहे साउथ से आवाज उठे चाहे उत्तर से उठे, हमेशा इन लोगों ने ऐसे सनातन धर्म विरोधियों का समर्थन ही किया है। करोड़ों लोग जब प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, इन सबके छाती पर सांप लौट रहा है। हम तो ये कहेंगे कि सनातन धर्म मानने वाले लोग ऐसे सभी सनातन विरोधियों का हुक्का पानी बंद कर दें। राहुल और अखिलेश की जो नजदीकी, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भैया रैली नहीं कर पाए हैं, एक मीटिंग नहीं कर पाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केवल एक औपचारिकता निभा रहे हैं चुनाव की। चुनाव लड़ने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं है, धरातल नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पदयात्रा की है, मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा की है। जब जब लोग दिक्कत में है, तकलीफ में है, उन लोगों को भरोसा देने के लिए जो मेहनत किया, 20 साल से लोगों के बीच में लड़ाई कर रहा है, और कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? इस देश का प्राइम मिनिस्टर होने वाले प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। All right, now Amethi, the former Gandhi bastion, family bastion there, where Union Minister Smriti Irani is currently waiting for the Congress candidate to be announced, slams the Congress MP Rahul Gandhi, accusing him of ignoring the constituency. Here's what she said at a public platform. Let's hear it. हम जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर दो दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखते हैं। धर्म और जाति के आधार पर हमको बांटने का वो दुस्साहस करेंगे, इसलिए समाज में हम सबको सचेत रहना। अगर हमारे समाज को कोई बांटना चाहे सनातन विरोधी, तो वो है ही।